हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कल, सभी 90 सीटों पर होगी वोटिंग, 8 अक्टूबर को आएगा रिजल्ट। कुमारी शैलजा ने फिर ठोकी सीएम पद की दावेदारी, कहा सीएम तय करना हाईकमान का काम, जिन नामों पर भी चर्चा होगी उनमें शैलजा एक होगी। कुमारी शैलजा ने जताया भरोसा, सीएम चुनते वक्त मेरी अनदेखी नहीं करेगा हाईकमान, सीनियोरिटी काम और बाकी की चीजें भी देखी जाएंगी। कुमारी शैलजा ने नाराजगी की खबरों को किया खारिज, कहा मैं पार्टी का हिस्सा हूं, हरियाणा में कांग्रेस अच्छी स्थिति में। कुमारी शैलजा के सीएम पद वाले बयान पर बोले दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस पार्टी में हाईकमान ही फैसला लेगा, हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में माहौल। हरियाणा में कल वोटिंग से पहले हमलावर बीजेपी, गृहमंत्री अमित शाह ने एक्सपोस्ट कर कहा ड्रग केस में कांग्रेस की संलिप्तता शर्मनाक। अमित शाह ने कहा कांग्रेस ने युवाओं को ड्रग्स के दलदल में धकेला, हमारी सरकार इनके मंसूबे पूरे नहीं होने देगी। करप्ट और कंफ्यूज कांग्रेस अब कोकिन कांग्रेस बन गई है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने पूछा ड्रग मामले पर चुप क्यों है गांधी और हुड्डा परिवार। दिल्ली, महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के लिए तैयार कांग्रेस, 5-5 सदस्यीय टीम नियुक्त की गई। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में बन रही है बीजेपी सरकार, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जताया भरोसा। हरियाणा सीएम और लाडवा से बीजेपी प्रत्याशी नायब सिंह सैनी का दावा, तीसरी बार भी बनेगी बीजेपी सरकार। सीट शेयरिंग में देरी पर शरद पवार ने जताई चिंता, एमके नेताओं को दी सलाह, कम दिन बचे हैं, जल्द सीट बंटवारे को पूरा कर लें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी को झटका, माजिद मेमन ने शरद गुट एनसीपी ज्वाइन की। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का अटैक, राहुल गांधी का लीडर ऑफ अपोजिशन बनना देश का एक श्राप। एनसीपी विधायक कमलेश सिंह ने बीजेपी ज्वाइन की, झारखंड अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दिलाई सदस्यता। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक, पश्चिमी एशिया में तनाव पर की चर्चा। कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में पीएम मोदी ने इसराइल ईरान युद्ध का किया जिक्र, कहा दोनों रीजन ग्लोबल इकोनॉमी और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अहम। पीएम मोदी ने कहा दुनिया में अस्थिरता के बीच भारत पर लोगों का विश्वास बढ़ा है, भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था। पीएम मोदी ने भारत को दुनिया का सबसे युवा देश बताया, कहा हर क्षेत्र में तरक्की हो रही, इंटरनेट यूजर्स, डिजिटल ट्रांजेक्शन के मामले में भारत नंबर वन। एससीओ की बैठक में शामिल होने पाकिस्तान जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, 15-16 अक्टूबर को होनी है बैठक। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का बड़ा बयान, एलएसी पर अपनी रक्षा और सुरक्षा को और मजबूत करने में जुटा है भारत। 2047 तक वायुसेना के सभी हथियार देश में ही होंगे निर्मित, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का बयान। उत्तराखंड के औली में भारत और कजाकिस्तान की सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास, 13 अक्टूबर तक चलेगा युद्धाभ्यास। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में 33 फैसलों पर मोहर, ऐतिहासिक संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने पर 2 साल की होगी जेल। महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मंत्रालय की बिल्डिंग से कूदे, तीसरी मंजिल से छलांग लगाई, नीचे जाल रहने के कारण जान बचे। धनगर समाज को एसटी कोटे से आरक्षण देने का विरोध कर रहे हैं नरहरि झिरवल, अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला था मोर्चा। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने फिर दिया विवादित बयान, कहा हिंदुओं को नवरात्र करने से रोकना तो मस्जिद के सामने करूंगा महाआरती। नितेश राणे के बयान पर भड़के एआईएमआईएम नेता वारिस पठान, कहा घटिया पब्लिसिटी के लिए सस्ती बातें कर रहे। मराठी को शास्त्रीय भाषा घोषित करने पर महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में अभिनंदन प्रस्ताव पास, पीएम और सांस्कृतिक मंत्री का जताया आभार। मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने से खुश संजय राउत, कहा सभी दलों की सालों से मांग थी। अरविंद केजरीवाल ने सीएम आवास खाली किया, 5 फिरोजशाह रोड होगा नया पता, आप सांसद अशोक मित्तल के घर हुए शिफ्ट। आवास छोड़ने से पहले केजरीवाल अपने स्टाफ से मिले, हाथ मिलाया, गले लगे, पत्नी सुनीता ने सौंपी घर की चाबी। जनता की अदालत प्रोग्राम के लिए तैयार आप, संजय सिंह बोले दिल्ली की जनता के सामने अपनी बात रखेंगे केजरीवाल। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ रही संख्या, बीजेपी नेता चंपई सोरेन ने जताई चिंता। झारखंड में बनेगी बीजेपी सरकार, बीजेपी नेता चंपई सोरेन ने किया दावा। तिरुपति प्रसाद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, मिलावट की जांच के लिए नई एसआईटी बनाने का आदेश, नई टीम में सीबीआई के 2 अफसर भी शामिल। जगन रेड्डी का चंद्रबाबू नायडू पर हमला, कहा सुप्रीम कोर्ट ने सीएम का असली चेहरा दिखाया। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में एलजी के दखल से सुप्रीम कोर्ट नाराज, नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी से पूछा चुनाव में मेयर का रोल आपने किस अधिकार से दखल दिया, आपको इतनी जल्दी क्यों थी। सोमनाथ ने बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया। अमेठी हत्याकांड का मुख्य आरोपी चंदन वर्मा गिरफ्तार, यूपीएसटीएफ ने दबोचा, आरोपी ने गुनाह कबूला। अमेठी हत्याकांड में आरोपी के व्हाट्सएप स्टेटस से खुलासा, चंदन वर्मा ने लिखी थी 5 लोगों की हत्या की बात। आरोपी और मृतक स्कूल टीचर की पत्नी के बीच थे संबंध, अनबन होने पर पूनम ने चंदन के खिलाफ दर्ज कराया था केस। सूत्रों की खबर, चारों को मारने के बाद आरोपी ने खुद को भी मारने की कोशिश की लेकिन गोली फायर नहीं होने से बच गया। अमेठी हत्याकांड के पीड़ित परिवार से राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने की बात, हर संभव मदद का भरोसा दिया। अमेठी हत्याकांड पर सांसद किशोरी लाल शर्मा ने उठाए सवाल, कहा अगर कानून व्यवस्था मजबूत तो ऐसे अपराध क्यों हो रहे हैं। पुणे में 21 साल की लड़की से गैंग रेप, विरोध करने पर आरोपियों ने दोस्त को बुरी तरह पीटा, 10 टीमें दरिंदों की तलाश में जुटी। पुणे गैंग रेप पर भड़की शिवसेना यूबीटी, कहा महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ध्वस्त, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं।
शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले ने गृह मंत्री फडणवीस से इस्तीफे की मांग की, कहा ट्रिपल इंजन की सरकार विफल। पुणे में गैंगरेप में दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई, महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात तोड़ा का बयान। रेलवे सुरक्षा बल का 40वां स्थापना दिवस, नासिक में आरपीएफ के कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। अस्पताल से डिस्चार्ज हुए अभिनेता गोविंदा, मिस फायरिंग से अपनी ही रिवॉल्वर से लगी थी पैर में गोली। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद गोविंदा ने फैंस का जताया आभार, दुआओं के लिए धन्यवाद किया। टॉयलेट सीट टैक्स की खबर को हिमाचल सीएम ने बताया गलत, कहा मीडिया में चल रही खबर पूरी तरह से गलत। तिरुवनंतपुरम में फ्लाइट के टेक ऑफ के तुरंत बाद इमरजेंसी लैंडिंग, मस्कट जा रही थी एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट। भोपाल में अतिथि शिक्षकों पर हुए लाठीचार्ज पर सियासत गरमाई, एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बोले लाइट बंद करके लाठियां बरसाना सरकार की बर्बरता। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर उठ रहे सवालों पर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, ज्यादा बिल आए तो तुरंत जांच का आवेदन दीजिए। पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता अर्जुन सिंह के घर पर देसी बम से हमला, टीएमसी पर लगाया हमले का आरोप। हथियार उठाकर ही खुद को बचाना होगा वरना ममता राज में हत्या हो जाएगी, हमले के बाद बोले बीजेपी नेता अर्जुन सिंह। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार का ममता सरकार पर अटैक, कहा अगर एक पूर्व सांसद सुरक्षित नहीं है तो बाकियों का क्या होगा। बेंगलुरु में 3 और पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार, असली पहचान छिपाकर रह रहे थे, अब तक 11 पाकिस्तानी पकड़े गए। यूपी के मिर्जापुर में ट्रैक्टर को ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में 10 लोगों की मौत 3 घायल। यूपी के बिजनौर में कुट्टू का आटा खाने से करीब 150 लोग बीमार, उल्टी और दस्त की आई समस्या। दिल्ली में डॉक्टर की हत्या के आरोप में एक नाबालिग गिरफ्तार, आरोपी ने जुर्म कबूला। नाबालिग का इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट भी आया सामने, पिस्तौल के साथ पोज देते दिखा नाबालिग, लिखा कर दिया 2024 में मर्डर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में स्वच्छता अभियान, बीएसएफ जवानों ने नए बस स्टैंड पर की साफ सफाई। एमपी के रतलाम में डीजल से भरे मालगाड़ी के 2 वैगन डीरेल, बाल्टी कैन लेकर डीजल भरने टूट पड़े लोग। बड़ौदा से भोपाल के पास मकानिया डिपो जा रही थी मालगाड़ी, वैगन से डीजल रिसने की खबर सुन बड़ी संख्या में लोगों ने डीजल की लूट की। दंतेवाड़ा में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, छत्तीसगढ़ सीएम बोले 9 महीने में तेजी से विकास हुआ। आगरा में डिजिटल अरेस्ट से महिला टीचर की मौत, पुलिस बनकर मांगे 1,00,000 रुपए, पैनिक में आकर हार्ट अटैक से हुई मौत। यूपी के देवरिया में स्कूल से लौट रही 2 लड़कियों से छेड़छाड़, बाइक सवार मंचलों से डरकर भागी। आरोपियों को पकड़ने के लिए 5 सदस्य टीम गठित, सीसीटीवी की मदद से मंचलों की तलाश जारी। पीलीभीत में पुलिस का डर दिखाकर वसूली करने वाला मौलाना गिरफ्तार, कई धाराओं में केस दर्ज, जेल भेजा गया। दिल्ली कार शोरूम गोलीकांड में 2 और आरोपी गिरफ्तार, आकाश और सुमित के तौर पर हुई पहचान। झारखंड में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, कोच C2 का शीशा टूटा, यात्री पूरी तरह सुरक्षित। गुजरात के व्यारा रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा टला, पत्थर के टुकड़ों से भरी मालगाड़ी पटरी से उतरी। पूर्व क्रिकेटर सलिल अंकोला की मां की लाश फ्लैट में मिली, पुणे पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। मुंबई में डांडिया को लेकर पुलिस प्रशासन ने बढ़ाया समय, आखिरी 3 दिनों के लिए रात 12 बजे तक की दी गई परमिशन। बिहार में कई जगहों पर बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात, सीएम नीतीश ने प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ से हाल बेहाल, प्रशासन की तरफ से नाव ना मिलने पर बर्तनों को जोड़कर लोगों ने बनाई नाव। मुजफ्फरपुर में बाढ़ पीड़ितों ने राहत सामग्री और मुआवजे के लिए किया हंगामा, NH-77 को जाम किया। सड़क जाम कर रहे बाढ़ पीड़ितों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कई लोग घायल हुए। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बिहार की बाढ़ से निपट रही, बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बयान। इसराइल के खिलाफ गुस्से में भारत के भी मुसलमान, दिल्ली और श्रीनगर में जुम्मे की नमाज के बाद सड़क पर उतरे लोग। दिल्ली की जोरबाग मस्जिद के बाहर इजरायली पीएम के खिलाफ लगे पोस्टर, नेतन्याहू मुर्दाबाद लिखा। हैदराबाद में नसरुल्ला की मौत के खिलाफ कैंडल मार्च, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। एप्पल भारत में 4 और स्टोर खोलेगा, इस महीने से मेड इन इंडिया आईफोन 16 प्रो की बिक्री भी शुरू करेगी कंपनी। पहली बार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर के पार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दी जानकारी। शेयर मार्केट पर इसराइल ईरान युद्ध का असर जारी, सेंसेक्स करीब 808 अंक लुढ़का, निफ्टी में 235 पॉइंट की गिरावट। 7 साल बाद फिर से लौटी हॉकी इंडिया लीग, पुरुष वर्ग में 8 टीम और महिला वर्ग में 6 टीमें लेंगी हिस्सा। फिल्म इमरजेंसी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई, प्रोड्यूसर ने बदलाव करने के लिए मांगा 2 हफ्ते का समय।